से लॉयर्स फॉर इक्वेलिटी इक्वलिटी का काम चलता है तो पुना में हम अलग अलग एक्टिविटीज करते हैं वर्कशॉप करते हैं रस्ते, रस्ते के ऊपर जाते हैं कैंपेन्स करते हैं कॉलेज प्रोग्राम्स करते हैं वेबिनार करते हैं और इसके अलावा हम पुना शहर में दो मुफ्त में दो काउंसिलिंग सेंटर चलाते हैं तो वहाँ पर जो केसेस रहते हैं वो वहाँ पर uh, ज्यादातर हम कोर्ट के बाहर सॉल्व करने का प्रयास करते हैं तो जो केसेस कोर्ट के बाहर सॉल्व नहीं हो पाती तो फिर कोर्ट में चलाते हैं मतलब हमें पता है कि पूरे लॉकडाउन में कि लॉयर्स की, की बहुत बुरी हालत है कुछ लॉयर्स ने आत्महत्या भी की है कुछ यहाँ पर जो लॉयर्स है उन्होंने सब्जी बेचने का काम शुरू किया है जो जो काम मिल रहा है वो कर रहे है अपनी रोजी रोटी ये करने के लिए तो हमने ऐसी डिमांड की है बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र को बार काउंसिल ऑफ इंडिया को और यहाँ के जो लोकल बार एसोसिएशन है उनको निवेदन दिया है कि हर महीने को चौदह हजार रूपए वो सारा कैंपेन सिग्नेचर कैंपेन्स चलाया है वो आगे भी चलाते रहेंगे तो इस किसी भी किसी को भी इस सारे एक्टिविटी में शामिल होना है तो वो अपना नंबर इधर चैट बॉक्स में डाल सकते हैं और हमारे साथ आगे भी सक्रिय हो सकते हैं मैं सीनियर एडवोकेट मिहिर देसाई के बारे में उनका इंट्रोडक्शन आपके सामने रखती हूँ बहुत सारी चीजें हैं उनके बारे में और मेरे दिमाग में आया कि मैं क्या क्या बताऊ आपको तो वो बॉम्बे हाईकोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के सीनियर काउंसिल है राइट लॉयर्स से इंडियन पीपल्स ट्रिब्यूनल एंड ह्यूमन राइट्स लॉ नेचर के को फाउंडर है इंडिया सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स एंड लॉ के फॉर्मर डायरेक्टर है पीयूसीएल महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट है कॉम्बैट लॉ मैगजीन के फाउंडर में से एक है दिफ्लेक्ट मैगजीन जो चलता है उसके वो ऑथर है वुमेन एंड लॉ बुक के को एडिटर है ये मैंने जो ठोस जो चीजें थी वो आपके सामने रखी लेकिन उन्होंने अपने लाइफ में बहुत सारी चीजें की है और वो अभी भी कर रहे हैं तो उन्होंने जो फेक एनकाउंटर के जो केसेस है उसके ऊपर बहुत काम किया है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड राइट्स के ऊपर बहुत काम किया है चिस्टा सिटलवार की जो केस है आप सारे लोगों को पता होगी कि उसके बारे में उन्होंने बहुत काम किया है यूनुस की केस है उसमें काम किया है तो बहुत सारी चीजें है जो हमको उनसे सीखनी है तो मैं अभी ज्यादा वक्त नहीं लेती मैं मेहर देसाई जी से गुजारिश करती हूं हूँ कि वो अपनी बात हमारे सामने रखें थैंक यू मोनाली और थैंक यू लॉयर्स फॉर इक्वालिटी मुझे इनवाइट करने के लिए मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ पिछले एक साल में जो सेंट्रल लॉज जो हमारे है सेंट्रल कानून है उसमें क्या क्या बदलाव आया उसमें क्या क्या नए 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 कानून आए क्या उसकी बात करूंगा मैं ये भी बताऊंगा कि यह हर एक कानून में जो बदलाव आया है वो क्यों मेरे हिसाब से बुरा है कुछ लोगों को अच्छा लगे आ, उसके हम डिबेट कर सकते हैं लेकिन जो लेटेस्ट कानून है वो तो हम सबको पता है जैसे कि फार्मर्स बिल है लेबर लॉ का जो कोड है लेकिन मैं पहले उसके पहले एक एक साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ तब से चालू करूंगा और फिर यहां तक फिर बाद में फार्मर्स और लेबर लॉ कोड की बात करूंगा लेकिन क्योंकि काफी कानून करीबन सात इंपॉर्टेंट कानून आए हैं ये पिछले एक साल में तो मैं संक्षिप्त में बताने की कोशिश करूंगा आ, सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट कानून आया सेंट्रल गवर्नमेंट का वो सी ए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जिसके बारे में सबको पता ही है कि वो आ, क्या है लेकिन मैं तो, संक्षिप्त में उसकी बात करना चाहूंगा कि क्यों लोगों ने उसका विरोध किया और ये कानून क्या कहता है लेकिन ये क्या कानून क्या कहता है उसके पहले हमें देखने की जरूरत है कि हमारा सिटीजनशिप का कानून क्या था और अब क्या है कॉन्स्टिट्यूशन बना जब इंडिपेंडेंस uh, इंडिपेंडेंस आया और बाद में कॉन्स्टिट्यूशन हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजनशिप की बात रखी गई थी क्योंकि वो टाइम बहुत महत्वपूर्ण थे कई लोग पाकिस्तान से यहाँ आए थे कई लोग यहाँ से वहां गए थे और वहां से वापस आए थे वो सब हुआ था तो सिटीजनशिप किसे किसे माना जाए तो बेसिकली उन्होंने कहा कि जो यहाँ पैदा हुआ है भारत में वो ऑटोमेटिक भारत का सिटीजन है और बाकी जो मुद्दे है कौन पाकिस्तान से कोई आया है समझो 1948 में तो उसे भी माना जाए वगैरह वगैरह लेकिन मेन मुद्दा ये रखा गया कि 26 जनवरी 1950 को जो 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 भारत में है और भारत में पैदा हुए हैं वो ऑटोमेटिकली भारत के सिटीजन होंगे और इसके बाद पार्लियामेंट तय करेगी कि किसे सिटीजन माना जाए और पार्लियामेंट ने फिर नाइनटीन में कानून बनाया सिटीजनशिप एक्ट उसमें भी यही लिखा गया ज्यादा करके कि जो भारत में पैदा होता है वो भारत का नागरिक प्रिडोमिनेंटली वो बात फिर अलग अलग उसमें माइनर ये ये सब थे कि अगर आपने बाहर जाके शादी की या आपके पेरेंट्स इंडियन है लेकिन बाहर बाहर आपके आपके इस बाहर हुई लेकिन वो छोटे छोटे मुद्दे हैं मुख्य मुद्दा ये था कि जो भारत में पैदा हुआ है वो भारत का नागरिक वो उन्नीस का कानून ने लिखा ये कानून बदला उन्नीस में 87 में एटी सेवन में कहा कि जो जो भी इसके बाद 87 के बाद आप भारत में पैदा हुए उतना काफी नहीं है आप जब पैदा हुए तब आपके माँ या बाप दोनों में से एक भारत के सिटीजन होने चाहिए तभी आपको भारत का नागरिक माना जाएगा तो 87 के पहले ऐसा था कि किसी को भी भारत का नागरिक माना जाए अब ऐसा आ गया कि जो भारत में आप अगर भारत में पैदा हुए हैं और साथ साथ आपके माँ या पिताजी भारत के नागरिक थे जब आप पैदा हुए तो आपको भारत का नागरिक माना जाएगा वरना नहीं माना जाएगा 2004 में फिर इसमें बदलाव आया 2004 में ऐसा आया कि इतना काफी नहीं है कि आप भारत में पैदा हुए आपको साथ साथ ये भी दिखाना पड़ेगा कि आपके माँ या बाप भारत के सिटीजन थे जब आप पैदा हुए और दूसरी बात आपको ये दिखानी पड़ेगी कि आपका जो दूसरा पेरेंट है यानी यानी जो भारत के सिटीजन नहीं है आपके पैदा होने टाइम वो इलीगल इमिग्रेंट नहीं है भारत में वो इलीगली भारत में नहीं आई है नहीं आए अगर वो इनलीगली आए हैं तो समझो कि मैं मेरे पिताजी भारत के नागरिक है अभी समझो कोई बांग्लादेश से आया और मैंने उससे शादी की मुझे पता नहीं वो इलीगल है लीगल है लेकिन मैंने शादी की और मुझे बच्चा हुआ पैदा तो वो बच्चा भारत का कभी भी नागरिक नहीं बन सकता है, ऐसा 2004 में कानून आया लेकिन दो हजार सत, उ, तक एक बात क्लियर थी कि आपकी नागरिकता आपके धर्म के आधार पर तय नहीं की, की जाएगी आपकी नागरिकता तय की जाएगी आप कहाँ पैदा हुए आपके पिताजी कहाँ पैदा हुए आपकी माता कहां पैदा हुई है फिर आप कौन से भी धर्म के हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है लेकिन आप यानी सिटीजनशिप कभी भी धर्म के आधार पर निर्धारित नहीं थी 2019 में ऐसा कानून लाया कि अगर आप पाकिस्तान अफगानिस्तान या बांग्लादेश से यानी इलीगली आए हैं या बॉर्डर क्रॉस करके आए हैं बिना पासपोर्ट के आए या पासपोर्ट के साथ आया पासपोर्ट एक्सपायर्ड हो गया आप रह गए इलीगली आए हैं आप ये तीन देशों से इलीगली आए हैं लेकिन फिर भी आपका आप अगर हिंदू सिख क्रिश्चियन बुद्धिस्ट जैन है पारसी है तो आपको इंडियन सिटीजनशिप मिल, मिल जाएगी यानी इलीगल इमिग्रेंट जो ये तीन देशों से आए हैं और छह और ये, ये छह धर्म के हैं उनको इीगल उनको उनको सिटीजनशिप दे दी जाएगी बाकी लोगों को नहीं दी जाएगी तो ये जो पूरा सीए एनआरसी का प्रोसेस है यहां प्रोटेस्ट चालू हो गया कि कई लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि हमको क्यों नहीं हमको क्यों नहीं क्योंकि सवाल ये था

बर्मा में म्यांमार में उसके ऊपर ये होता है क्या प्रोसिक्यूशन होता है इसलिए भाग के आए हैं तो प्रोसिक्यूशन का जो सवाल है कि आपके ऊपर आपका जो जो देश से आप आ रहे हैं वो देश में आपके ऊपर अत्याचार हुए इसलिए आप भाग के आए इसलिए आपको सिटीजनशिप देंगे तो वैसे तो कई और है जैसे कि तमिल श्रीलंका तमिल है उनके ऊपर भी प्रोसिक्यूशन हुआ इसलिए भाग के आए तो उनको क्यों नहीं ये तीन देशों के ही क्यों तो ये सब मामले के ऊपर पूरा आप जैसे जानते हैं बहुत आंदोलन पूरा पूरे भारत में में सुप्रीम कोर्ट में अभी केसेस पेंडिंग है इसके बारे में कि ये कानून एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं कि धर्म के आधार पे किसी को सिटीजनशिप देना कि नहीं वो कॉन्स्टिट्यूशन संविधानिक है कि नहीं वो बात पूरी सुप्रीम कोर्ट में अभी पेंडिंग है तो ये एक पहला कानून आया सी एन का इसकी मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा कोई प्रश्न पूछेगा तो इसकी बात करूंगा लेकिन दूसरा कानून आया जो इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से वो था अनलॉफुल Prevention of Unlawful Activities Act, जिसे हम UAPA कहते हैं, उसमें लाया गया। अभी उन्लोफ उन्लोफ किसके लिए होता है? कि या या के आप मेंबर है और आपने कुछ काम किया वगैरह, तो यूएपीए लगाया जाता है ऐसा कानून में लिखा है एक्चुअली वो लगाया जाता है अभी मैं कई केस कर रहा हूँ अभी भी वो बीमा की जो सोलह लोगों को पकड़ा अभी अरेस्ट किया है कई लोग केस में कर रहा हूँ तो एक्चुअली उनके खिलाफ कुछ उनके खिलाफ ये यूएपीए लगाया गया है बोल के कि आप लोग टेररिस्ट है, है या ये है वो है करके आप ये कानून लगाया गया, उनको जेल में गया है अभी ये कानून में ऐसा है कि आपको बेल बहुत ही मुश्किल से मिलती है बेल एंटीसिपेटरी बेल मिलती ही नहीं है जो आपको दूसरे कौन से भी कानून में मिलेंगे और यू और बेल भी बहुत मुश्किल से मिलती है लोग पांच पांच दस दस साल तक अंदर रहते हैं तब बेल मिलती है या नहीं भी मिलती है ट्रायल खत्म होने तक इसलिए ये कानून का बाकी के बाकी के कानूनों में आपको बेल मिल जाती है कम से कम थोड़े टाइम के बाद बेल मिल जाती है आप रिहा हो जाते हैं तो ये कानून का उपयोग इसलिए किया जा रहा है कि लोगों को अंदर डाल दें और बहुत 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 समय तक अंदर रखें फिर वो कन्विक्ट हो या ना हो पांच साल छह साल अंदर रहेंगे तो बाकी के लोग भी जो हम गवर्नमेंट का बेसिकली ऐसा मानना है कि जो हमसे डिसेंट करते हैं जो हमारे खिलाफ है जो हमारे खिलाफ बोलते हैं राज्य के खिलाफ नहीं हमारे खिलाफ गवर्नमेंट के खिलाफ जो बोलते हैं उनको अंदर डाल देना चाहिए तो उस आधार से ये यूएपीए का यूएपीए चल रहा है अभी यूएपीए में अमेंडमेंट क्या कि अभी तक क्या था कि 2019 तक क्या था कि आप अगर कोई बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो बैंड जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका लिस्ट दिया गया है वो कानून के अंदर कि ये 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 ऑर्गेनाइजेशन बैंड है जैसे कि अलकायदा है बैंड है वैसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन uh, के नाम दिए कुछ ना माओवादी ऑर्गेनाइजेशन के है कुछ इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के हैं कुछ अलग से ऑर्गेनाइजेशन के ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन का लिस्ट दिया है कि आप अगर ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं तो आपको ये कानून में पकड़ा जाएगा और एक दूसरा एक लिस्ट होता है अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन का जो एक जो लिस्ट वो गवर्नमेंट में छापते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन है वो अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन है और इनके इनके अगर आप मेंबर है वो कौन से ऑर्गेनाइजेशन जो ऑर्गेनाइजेशन सेशन की बात करता है भारत यानी भारत का तोड़ने की बात करता है जो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को नोटिफाई करना चाहिए गवर्नमेंट को और वो नोटिफाई करके अगर आप फिर भी उसके अंदर काम करते हैं तो आपको पकड़ सकते ये पूरा एक आ, आ, कानून था अभी पहली बार इसमें ऐसा आया कानून में अमेंडमेंट आया तो अभी तक क्या था कि आप कोई ऑर्गेनाइजेशन जो बैंड है वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ है तो आपको अंदर किया जाएगा अब क्या आया कानून कानून में बदलाव क्या आया कि आप इंडिविजुअल टेररिस्ट है तो भी आपको अंदर डाला जाएगा यानी टेररिस्ट कौन है वो उसका डेफिनेशन बहुत वेग है हुँ? और किसी को भी पकड़ के अंदर डाल डाल दिया जा सकता है तो 2019 में यह अमेंडमेंट आया कि यूएपीए के अंदर अगर आप इंडिविजुअल टेररिस्ट है कोई कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ नहीं है तो भी तो भी आपको अंदर किया जाएगा उसका एग्जांपल्स एक दो दे, दे देता हूं कि अखिल गोगोई करके एक सी uh, एनआरसी के खिलाफ और बाकी कई ह्यूमन राइट्स के मुद्दों के लिए आसाम में कई सालों से कई डेकेट से काम करते हैं कोई संस्था के साथ वैसे जुड़े नहीं है जो बैंड है वगैरह लेकिन फिर भी उनको यूएपीए में अभी डाला गया था अभी कुछ एक मैटर में बेल मिला है एक मैटर में अंदर है वगैरह तो इंडिविजुअल को पकड़ के अंदर डालना संस्था कि किसी भी संगठन के साथ है या नहीं है वो ये मतलब, सिमिलरली अभी आप देखते हैं कि दिल्ली में भी जो रायट्स हुए थे उसमें कई लोगों को यूएपीए के अंदर डाला गया है वो किसी संगठन के साथ हो या ना हो या हाथरस है जो अब हुआ यूपी में वहां तीन जर्नलिस्ट दिल्ली से वहां जा रहे थे तो उनको भी यूएपीए में इंडिविजुअल टेररिस्ट के रूप बोल बोलकर डाल दिया गया तो इससे क्या हुआ है कि यूएपीए का पूरा जो स्कोप है जो अनलॉफुल एक्टिविटीज जिसको हम ड्रेकोनियन लॉ मानते हैं कि जिसका जिस लॉ का बहुत ही उसके पहले पोटा था और उसके पहले टाड़ा था टाड़ा को टाड़ा को लेप्स हो गया पोटा को रिपील करना पड़ा क्योंकि उसका बहुत मिसयूज हो रहा था पूरे इंटरनेशनल स्टेज पे बोला मिस हो रहा है वैसे ही यूएपीए का मिस हो रहा है लेकिन उसको भी अभी उसको एक्सपांड कर रहे हैं ताकि इंडिविजुअल जो 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 व्यक्ति है जो, जो किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ी हुई नहीं है जो बैंड है उनको भी अंदर कर सकते हैं तो ये एक दूसरा यूएपीए का अमेंडमेंट आया एक दूसरी बात है दूसरा कानून है जिसकी मैं बात करना चाहता था तीसरा जो कानून आया वो हम सबको मालूम है पांच अगस्त दो दो को आर्टिकल 370 को एबॉलिश किया गया 370 और, और 35 है दोनों कश्मीर कश्मीरी लोगों को स्पेशल स्टेटस देता था वो क्यों देता था उसके हमें जब थोड़ा इतिहास देखना जरूरी है तो आप देखिए जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तभी पाकिस्तान और इंडिया तो अलग अलग हो गए साथ में ये कहा गया कि जो किंगडम्स है उसके राजा तय करेंगे किसके साथ जाना इंडिया के साथ जाना पाकिस्तान के साथ जाना तो उस हिसाब से करीबन 560 ऐसे प्रिंसली स्टेट्स थे भारत में ज्यादा करके उन्होंने तय किया कि हम इंडिया के साथ जाएंगे तीन तीन तीन, तीन प्रिंसली स्टेट्स तभी तय नहीं किया था एक तो जूनागढ़ था हैदराबाद था और कश्मीर था और बाद में जूनागढ़ और हैदराबाद जु, जुड़ गए भारत के साथ कश्मीर जुड़ा नहीं लेकिन कश्मीर के ऊपर फिर पाकिस्तान से अटैक हुआ तो कश्मीर के जो राजा थे उन्होंने कहा कि हम इंडिया के साथ आएंगे लेकिन कुछ कंडीशन के साथ ये कंडीशन ऐसी है कि इंडिया सिर्फ इंटरनेशनल अफेयर्स कम्युनिकेशन और डिफेंस ये तीन में हमारे आ, हमारे ऊपर कानून डाल सकता है बाकी कोई भी चीज पे अगर आपको कानून डालना है तो हमारी परमिशन के बिना आप कानून नहीं डाल सकते और कश्मीर का एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन होगा ये बात आर्टिकल 370 में लिखी गई है कि का, कश्मीर का अलग कॉन्स्टिट्यूशन होगा और और कोई भी मामला अगर कश्मीर में कानून बनाना है तो वो कानून बनाने के लिए कश्मीर का जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उसका परमिशन लेना चाहिए तो ये कानून में लिखा था और उसके साथ साथ थर्टी ए भी लाया गया थर्टी ए में लिखा गया था कि कश्मीर में जो लैंड है जो जो आ, उसकी ओनरशिप सिर्फ कश्मीरी लोग रख सकते हैं बाहर के लोग आके लैंड ओनरशिप नहीं कर सकते काम कर सकते वगैरह लेकिन लैंड ओनरशिप नहीं कर सकते तो ये दो चीजें थी एग्रीमेंट था नाइनटीन में इंडिया और कश्मीर के बीच में और वह एग्रीमेंट को कन्वर्ट किया गया 370 आ, कानून में आ, उसके बाद 370 का काफी इरोजन हुआ बार 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 इरोजन हुआ कश्मीर में कई बार इलेक्शंस बरोबर नहीं हुए कश्मीर में मूवमेंट चालू हो गई वो सब हुआ और फिर फाइनली तय किया गया कि कश्मीर 370 को एबॉलिश किया जाए तो कई लोगों ने उसका विरोध किया कि 370 लाया गया था वो एक कंडीशन थी कॉन्स्टिट्यूशन कंडीशन थी कि आप यही कंडीशन पे कश्मीर जुड़ रहा है भारत के साथ तो आप इसको एबॉलिश कैसे कर सकते हैं तो ये एक बात आई थर्टी फाइव ए की बात आई कि थर्टी ए आप कैसे एबॉलिश कर सकते हैं जब ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल कंडीशन है एक दूसरी बात आई तीसरी बात ये आई कि जब स्पेशल आप बोलते हैं कि स्पेशल फेवर है कश्मीर को तो आप पूरा थ्री ए से लेके आप देखिए कॉन्स्टिट्यूशन की कलम तो नागालैंड है आसाम है मणिपुर है झारखंड है सभी लोगों को स्पेशल कंडीशन स्पेशल प्रोटेक्शन दिया गया है सिर्फ कश्मीर को दिया गया ऐसा नहीं है बाकी सब आ, आ, कई प्रदेश है जिसको स्पेशल प्रोविजन प्रोटेक्शन दिया गया है अपने संविधान के अंदर तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ कश्मीर को ही दिया गया था बाकी लोगों को नहीं दिया गया था वो एक बात आई दूसरी बात ये आई कि तो यूनिय, आप यूनियन टेरिटरी को राज्य में बदल सकते हैं जैसे कि दिल्ली दिल्ली को राज्य टे, टे, टे रा, राज्य पहले यूनियन टेरिटरी था हो गया ऐसे इस तरह से आप यूनियन टेरिटरी को राज्य में बदल सकते हैं लेकिन आप राज्य को यूनियन टेरिटरी में कैसे बदल सकते हैं तो ये एक सवाल आया अगेन ये जो ये जो पूरे जो सवाल है संविधानिक सवाल वो सुप्रीम कोर्ट में अभी पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में उसके ऊपर चैलेंज किया किया गया है लोग अच्छा होता अगर सुप्रीम कोर्ट ने आज तक डिसीशन दे, दे दिया होता ये साइड या वो साइड तो आ, लेकिन अभी अभी तक वो डिसीजन दिया नहीं गया है और उस दरमियान कई लोगों को जो अरेस्ट किया गया था मिनिस्टर एक्स चीफ मिनिस्टर वगैरह उनके कॉर्पस कॉरपोसपिटिशन वगैरह भी सुप्रीम कोर्ट ने सुने नहीं है और जो इंटरनेट का ब्लॉकेट था उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाथ धो दिए हैं तो इस तरह का ये जो पूरा मसला है थ्री ए का जो मसला है वो कश्मीर के साथ जुड़ा हुआ मसला है अभी नेक्स्ट जो मेजर अमेंडमेंट आया लास्ट एक साल में वो कोविड के टाइम आया तेईस मार्च से जो लॉकडाउन चालू हुआ उसके बाद के साथ कई कानून लाए गए वो कानून वो बोलते हैं टेम्पररी है लेकिन टेम्पररी थे कि नहीं वो देखने पड़ेंगे खास करके जो लेबर लॉज में जो चेंजेस लाए गए मैं ये लेबर कोड की बात नहीं कर रहा हूं जो अब लाए गए हैं लेकिन कई राज्यों ने अपने अपने लेबर लॉस बदल दिए जिसमें ओवर टाइम का काम बढ़ा दिया हेल्थ एंड सेफ्टी है पूरा निकाल दिया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट की भी बात बहुत डाइल्यूट कर दी गई तो इस तरह से कई कई राज्यों ने बोला कि नॉर्मल लेबर लॉज है वो हम सस्पेंड कर रहे हैं कोविड के टाइम पे वो ये चैलेंज हुआ गुजरात में जो चेंज आया वैसा ही वो चैलेंज हुआ सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप अभी बोला है लास्ट वीक दस दिन पहले कि इस प्रकार के आप कोई बदलाव ला नहीं सकते हैं कानून में वर्कर्स के खिलाफ कोविड के बहाने पे आप क्योंकि वर्कर्स का बेसिक डिग्निटी होता है बेसिक मिनिमम वेजेस मिलना चाहिए वो आप वो सब निकाल नहीं सकते हैं और ये पूरे जो आपने अमेंडमेंट लाए वो गलत है तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि वो गलत है और वो वहीं यानी वो टेंपरेरी चेंजेस की जो बात है लेबर लॉ की कोविड के टाइम वो खत्म हो गए तो कोविड के टाइम दूसरे भी कई डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है और जो एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट है दो दो कानून है जिसके हिसाब से लोग गवर्नमेंट अलग अलग तरह के लॉकडाउन लाती है अलग अलग तरह के रिस्ट्रिक्शन लाती है उसकी भी कई चर्चाएं हुई जैसे कि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में कई कई मामले हुए गए माइग्रेंट वर्कर्स का मामला गया प्रिजनर्स का मामला गया आ, रा, आ, का मामला गया स्कूल फीस का मामला गया वो सब मामले सुप्रीम कोर्ट में गए लेकिन इसमें भी ज्यादा करके मेरे ख्याल से गवर्नमेंट का फेलियर फेलियर रहा है है रहा और सुप्रीम कोर्ट का फेलियर रहा है कि उन्होंने गवर्नमेंट ने कुछ जितना करना चाहिए उतना किया नहीं और और सुप्रीम कोर्ट ने भी जो करना चाहिए वो किया आ, किया नहीं बहुत क्रिटिसिज्म होने के बाद माइग्रेंट वर्कर्स के बारे में वो जागा हुए कि लाखों करोड़ों माइग्रेंट वर्कर्स एक एक राज्य से दूसरे राज्य भूखे भूखे जा रहे थे और फिर भी सुप्रीम कोर्ट में सोलिसिटर जनरल स्टेटमेंट बोल करता है कि एक भी व्यक्ति आज रास्ते पे नहीं है एक बिल्कुल झूठा स्टेटमेंट था इस तरह से एनी तो लेकिन बेसिक जो फर्क जो दो कानून अब आए हैं तीन कानून मेरे ख्याल से जो आए हैं जिसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा थोड़ी एक तो जो लेबर कोड्स फाइल पास किए हैं दूसरा जो फार्मर्स के बारे में जो कोड पास किया है जो तीन कानून आए हैं और तीसरा है जो एफ सी आर एनि फॉरन कॉन्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट एक्ट वो तो ये तीसरा जो कानून है ये तीन चीजों ये तीन मुख्य कानून है जिसकी मैं थोड़ी बात करना चाहूंगा अभी एफ सी आर ए में क्या है कि आप फॉरिन uh, कॉन्ट्रीब्यूशन अगर आप लेते हैं एनजीओ है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको फॉरेन से डोनेशन मिलता है किसी इंडिविजुअल को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को तो उसके लिए एक उसके लिए पहले फेरा करके एक एक्ट था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट सेवेंटी सिक्स में और वो बदल के दो हजार में फेमा करके आया फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट इसमें काफी बदलाव लाए गए हैं 2020 में जिसकी मैं बात करना चाहूंगा। अभी ज्यादा करके जो एनजीओस काम करते हैं ज्यादा करके नहीं लेकिन कम से कम थोड़े बहुत जो एनजीओस काम करते हैं एडुकेशन में काम करते हो ह्यूमन राइट्स पे काम करते हो रिसर्च करते हो सर्विसेज़ uh, पे काम करते हो डिसेबिलिटी uh, के साथ काम करते हो एचआईवी के साथ काम करते हो कई कई औरतों के साथ बच्चों के साथ काम करते हैं वो एनजीओ अपना फंडिंग उनको कुछ डोनर एजेंसी को से, से, बाहर से मिलता है फॉरेन फॉरेन और उनको एफ और उनको ए में रजिस्टर करना पड़ता है कि बिना रजिस्ट्रेशन के आपको फॉरेन एक्शन नहीं मिल सकता है तो एफ ए में रजिस्टर रजिस्ट्रेशन तो सबसे पहले तो तीन या चार बदलाव लाए हैं ये बदलाव लाया है कि कोई भी कोई भी एनजीओ जिसको हम फॉरेन का फंड्स देगा वो किसी और संस्था को वो फंड ट्रांसफर नहीं कर सकता अभी क्या होता है कि कई बड़े बड़े एनजीओ है वो बड़े एनजीओ छोटे छोटे एनजीओ जो गांव के क्षेत्र में या जिला जिला के क्षेत्र में काम करते हैं उनके पास एफसीआर नहीं होता है या होता है तो भी उनको फंडर से कॉन्टेक्ट नहीं होता है तो बड़े एनजीओ को फंड्स मिलता है और वो वो एनजीओ फिर ये छोटे छोटे जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको ट्रांसफर करते हैं फंड्स यानी एक एनजीओ को मिलता है और फिर वो 10 20 25 ऑर्गेनाइजेशन को देता है कि आपका अपना काम करो गांव में एडुकेशन है प्रोवाइड करना वाटर के लिए काम करना है जो भी काम करना है वो करो तो अब वैसा नहीं कर सकेंगे यानी अब जो छोटे छोटे एनजीओ है वो सब बंद हो जाएंगे क्योंकि उनके पास की कोई भी बड़ा एनजीओ छोटे एनजीओ को फंड ट्रांसफर नहीं कर सकेगा दूसरी बात कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो आपको आपको मिलते हैं फॉरेन फंड से वो 50% आप एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कर सकते हैं फिफ्टी परसेंट प्रोग्राम एक्सपेंसेस कर सकते हैं ऐसा कानून था अभी फिफ्टी परसेंट को बदल के ट्वेंटी परसेंट कर दिया है इसका मतलब क्या है कि सैलरीज है या इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर आप 20 प्रतिशत से ज्यादा काम ज्यादा कर सकते। अभी प्रॉब्लम क्या होता है कि कई एनजीओ जो है वो रिसर्च करते हैं और एडवोकेसी करते हैं तो रिसर्च करते हैं तो उनका ज्यादा खर्चा सैलरीज में जाता है क्योंकि वो रिसर्च करते हैं उनका कुछ जा, जाके आ, लोगों को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना होता है पैसा उनको रिसर्च करना होता है तो वैसे जो रिसर्च के जो एनजीओज है पचास पच्चा, प्रतिशत से बीस प्रतिशत किया है उसके वजह से बंद हो जाएंगे तीसरा अमेंडमेंट ऐसा लाया है कि कोई भी एनजीओ अपना अकाउंट सिर्फ न्यू दिल्ली की एसबीआई में खोल सकता है बाकी किधर नहीं अभी कितने एनजीओ को न्यू दिल्ली के एसबीआई जाके अकाउंट खोलेंगे वहां से अकाउंट ट्रांसफर करेंगे ये वो कितने कर सकेंगे तो ये एक तीसरी बात है जिससे जिससे लोगों को प्रॉब्लम हुआ है चौथी बात जो मुख्य बात है उसमें ऐसा कहा गया है कि कोई भी पब्लिक सर्वेंट है वो फॉरेन फंडिंग ले नहीं सकता अभी सवाल यह है कि आप जरा देखिए ये जो तीन चार बातें हैं उससे उससे कई एनजीओ के ऊपर बहुत ही बुरा असर होगा जो जेन्यून एनजीओ है जो फालतू एनजीओ है वो बंद हो जाना चाहिए वो हो जाना चाहिए, चाहिए उसका कोई सवाल नहीं है अभी इसमें दो सवाल आप ध्यान में रखिए कि दो में एक अमेंडमेंट आया था यही कानून में यही गवर्नमेंट ने लाया था एनडीए की गवर्नमेंट दो में और जो अमेंडमेंट कांग्रेस ने भी सपोर्ट किया था ऐसा हुआ था कि पॉलिटिकल पार्टीज कई फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन से डोनेशन देती है तो दिल्ली हाईकोर्ट ने एक कानून एक एक निकाल दिया कि ये जो कांग्रेस और बीजेपी ने और फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन से पैसे लिए हैं, वो पूरे गलत है वो पूरा इलीगल है क्योंकि एफसीआरए के विरुद्ध है क्योंकि एफ सी आर एफ सी आर एक्ट में ऐसा लिखा गया है कि आप पॉलिटिकल काम के लिए आप फॉरेन फॉरेन से पैसे नहीं ले सकते तो दिल्ली दिल्ली के हाई कोर्ट ने बताया कि ये पूरा इलीगल है ये आप नहीं ले सकते तो 2015 में लॉ को अमेंड कर दिया और पोलिटिकल पार्टीज को फॉरिन ऑर्गेनाइजेशन से पैसा लेने की अनुमति दी गई और लॉ अमेंड किया उतना ही नहीं लॉ अमेंड किया 2010 से कि 2010 से अगर फॉरेन फंड्स मिला मिला है तो उसको वो एग्जाम रहेगा उसको एफसीआरए एफसीआरए में आप उसको देख नहीं सकते उसका ऑब्जेक्शन नहीं ले सकते 2000 फिर पता चला कि एक्चुअली ये फॉरेन फंड 19976 से दे रहे ऑर्गेनाइजेशन सो बाद में 2018 में ऐसा अमेंडमेंट किया कि 1976 से जो भी फॉरेन फंडिंग लिया है वो सब एग्जाम करते हैं आज 2018 में यानी पिछले आ, आ, बत्तीस साल से जो भी लिया है हम एग्जाम करते हैं और आपको उसके ऊपर कुछ नहीं करना पड़ेगा आप आप ले सकते हैं आप लीगल है तभी तभी तभी, तभी के कानून में इलीगल हो गए लेकिन हम अब हम आप, आपको ये लीगल बना देते हैं तो दो हजार में पोलिटिकल पार्टीज को फॉरन फंडिंग मान, मान मान दिया गया तो अगर पॉलिटिकल पार्टीज को मान, माना गया है तो एनजीओ को क्यों नहीं मानते है? वो एक सवाल आता है दूसरा बात कोविड के टाइम जैसे कि आप जानते हैं कि पीएम केयर फंड लाया गया अभी पीएम केयर फंड भी एनजीओ है वो क्या है ट्रस्ट है वो ट्रस्ट क्या है ट्रस्ट में प्राइम मिनिस्टर चेयर पर्सन है कुछ कैबिनेट मिनिस्टर्स ये है लेकिन वो बोलते हैं कि ये गवर्नमेंट का ट्रस्ट नहीं है ये प्राइवेट ट्रस्ट है उनका ऐसा कहना है इसलिए हम किसी को बोलेंगे नहीं हम हमको कहां से पैसा मिला है हमको कुछ बोले नहीं पीएम केयर फंड में आपको एग्जाम्शन है फॉरेन फंडिंग लेने का तो उसमें आप फॉरेन फंडिंग ले सकते हैं किसी को बताए बिना कितना ले रहे हैं क्यों ले रहे हैं किसी को बताए बिना तो पीएम केयर फंड में आप ले सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज ले सकती है लेकिन एनजीओ वो नहीं ले सकती है। तो ये एफ में बदलाव आया है और इसका काफी विरोध हो रहा है लेकिन ये एक बात ही। अभी दूसरी बात मैं करूंगा लेबर कोड की बात कि जो चार लेबर कोड आए हैं उसमें से यानी पहले क्या था कि 44 अलग अलग लेबर के कानून थे 44 हुँ। सेंट्रल कानून की मैं बात करता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट के जैसे कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स है एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स है बीडी वर्कर्स एक्ट है सिगरेट वर्कर्स एक्ट है माइन वर्कर्स लॉ है बोनस एक्ट है प्रोविडेंट फंड लॉ है ईएसआईसी एक्ट है वैसे 44 टोटल सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉस थे वो 44 लॉस को एबॉलिश करके चार कोड बनाए गए अभी इससे प्रिंसिपली कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए चाहिए कि भाई इतने चालीस चवालीस चा, 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 क्यों चा, क्यों का, कानून चाहिए आप ये चवालीस को कम करके तीन या चार में बदल दो तो इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है लेकिन ऑब्जेक्शन जिस तरह से उनके बदल के जो नया कानून लाया गया है उसमें है हुँ? सो ऑब्जेक्शन इसमें नहीं है कि आपने कानून क्यों रद्द करके नए लाए लेकिन जो नए लाए वो खराब कानून है बुरे कानून है इसलिए ऑब्जेक्शन अभी क्या है वो मैं बताता हूँ तो इसमें चार कोड है

मिनिमम वेजेस यानी कम से कम एक आप डिग्री एग्जिस्टेंट uh, जी सको उसको उसको मिनिमम वेजेस कहते हैं तो आप जब मिनिमम वेजेस फिक्स करते हैं तब आप सिर्फ वो खाने पीने में कितना पैसा किसी मजदूर का जाता है वो नहीं लेकिन साथ साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा कि एडुकेशन का हेल्थ का वो सबका पैसा मिला के जो रफ एक्सपेंस है वो मिला के आप तय करो कि ये मिनिमम वेजेस इसको बोला अब ये जो मेथोडोलॉजी है जो पहले थी मिनिमम वो पूरी इसमें से निकाल दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट पे छोड़ा गया है कि आप मिनिमम तय करो किस तरह से तय करो किसी को पता नहीं है इसमें कुछ लिखा गया नहीं है तो ये एक बात मुख्य बात है दूसरी बात पहले क्या था कि फैक्ट्री इंस्पेक्टर जो थे उनको ये हक था कि वो सरप्राइज विजिट करें हर एक फैक्ट्री पे और जाके देखें कि सचमुच मिनिमम अभी मैं आपको एक बात पहले ही बता देना चाहता हूं कि लेबर लॉ अगर आप इवन इसके पहले भी अगर आप लेबर लॉ देखे तो पेपर पे तो काफी अच्छे लग रहे हैं लेकिन एक्चुअल रियलिटी में उसका इंप्लीमेंटेशन बहुत खराब था क्योंकि 90 परसेंट लोग को लेबर लॉ का कोई फायदा ही नहीं होता था ध्यान किस पे देना चाहिए था कि ध्यान इस पे देना चाहिए था कि जो लेबर लॉ है वो इंप्लीमेंट कैसे किया जाए आप तो बोलते हैं कि हर एक फैक्ट्री में क्रैश होना चाहिए आप तो बोलते हैं कि हर एक फैक्ट्री में ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए वो सचमुच नहीं है तो आप किस या कॉन्ट्रैक्ट लेबर नहीं होना चाहिए या कैजुअल वर्कर्स को भी हक होना चाहिए या इंटरस्टेट माइग्रेंट अभी आप देखिए इंटरस्टेट माइग्रेंट की जो बात है इंटरस्टेट आपने देखा कोविड के टाइम पे किसी को कुछ पता नहीं था कहां से कौन कितने माइग्रेंट कहां जा रहे हैं किसी को पता नहीं था किसी के पास फैक्स नहीं था अभी इंटरस्टेट माइग्रेंट एक्ट जो तीस साल पुराना कौन माइग्रेंट और और कौन है तो आप पहले से तय कर सकते थे कि इतने लोग, लोग यहाँ से बाहर जाने वाले हैं इतने लोग आ रहे है, ये, ये लिस्ट में इनका नाम है इनको पहले रेशन दो इनको पहले खाना दो वगैरह वगैरह लेकिन इंप्लीमेंट हुआ नहीं था इस तरह से हर एक लेबर लॉ की आप बात करें मिनिमम वेजेस एक्ट की बात करें तो वो भी इंप्लीमेंट नहीं हो रहा था जो जो भी आ, आपको पता है कि, इन, क्योंकि भारत में 90 परसेंट इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं 10 परसेंट फॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं वो 10 परसेंट फॉर्मल सेक्टर में भी कितने लोगों के ऊपर कितने लोग को लेबर लॉ का बेनिफिट मिलता है वो अलग बात है तो कई कानून है जो पेपर पे तो बोलते हैं कि ये, ये करना चाहिए वो करना चाहिए लेकिन वो भी हो नहीं रहा था कॉन्ट्रैक्ट लेबर एबोलिशन एक्ट एक्ट नहीं हो रहा था था वर्कर्स जो लाया गया था, पूरा बंद किया जाए वो एक कानून लाया गया था वो कहाँ कहा उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ है वो नहीं हुआ है इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल आज भी मैनुअल स्कैंजिंग पूरे भारत में चल रही है दलित परिवार के लोग जो है वो पूरे मैन्युअल स्केवेंजिंग कर रहे हैं तो ये तो कानून तो काफी थे पहले भी जो 44 कानून थे वो थे इंप्लीमेंटेशन बिल्कुल नहीं था तो अगर आपको कानून बदलना है तो आपको ये देखना चाहिए कि इंप्लीमेंट कैसे करेंगे उसको आप इनको इफेक्ट कानून बना के छोड़ देंगे पहले इंस्पेक्टर है, कोई भी इंस्पेक्टर जाके सरप्राइज विजिट फैक्ट्री में दे सकता है मालूम कर सकता है वर्कर्स को डायरेक्ट पूछ के कि आपको मिनिमम वेजेस मिल रही है क्या नहीं प्रूफ क्या है कहा मिल रही है क्या प्रूफ है? तो वो कर सकते थे अब ये जो नया कानून है मिनिमम नया जो लेबर कोड है उसमें लिखा है कि इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर की कोई जरूरत नहीं है हर एक एम्प्लॉयर ऑनलाइन फाइल करेगा कि मैं इतना पगार देता हूं और वो माना जाएगा यानी क्या है कि मैं एम्प्लॉयर हूं मैं मिनिमम वेजेस नहीं दे रहा हूं लेकिन मैं ऑनलाइन लिखूंगा किसको अपना गवर्नमेंट को कि मैंने मिनिमम वेजेस दिए है और उसके आधार से चलते रहेंगे पहले के कानून में क्या था कि, कि अगर आप मिनिमम वेजेस नहीं दे रहे हैं या, या पगार टाइम पे नहीं दे रहे हैं

वो जो वेजिस लेबर कोड है उसमें से निकाल दिए गए हैं ये एक वेजिस कोड का तो एक पहला कोड दूसरा कोड कौन सा आया है इंडस्ट्रियल कोड एक साथ मिला के ये इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल कोड आया है डिस्प्यूट ट्रेड यूनियन और स्टैंडिंग ऑर्डर अभी इसमें प्रॉब्लम क्या है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट और ट्रेड यूनियन एक्ट वो मेन कानून थे मेन कानून थे का अगर अगर वर्कर को कोई डिस्प्यूट है किसी बात की तो ये कानून के अंदर वो कोर्ट में जा सकता था लेबर कोर्ट में जा सकता था कंसीलिएशन ऑफिसर के पास, पास जा सकता था। तो कानून बदल के अभी एक इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट लाया गया है और स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट में ऐसा दिया था पहले कि वर्कर्स के टर्म्स एंड कंडीशन क्या होंगे उनको कौन से उनका जो कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स है वो क्या होगा तो उसमें ऐसा लिखा गया था पहले कि आप आपके पास परमानेंट हो, होंगे या, या टेम्पररी होंगे मजदूर लेकिन आप किसी को फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं रख सकते

फिर भी आप उसको काम से निकाल सकते हैं तो ये जो बात है तो कौन सा तो इसमें क्या होगा कि कोई भी वर्कर डरे, डरेगा छह महीने आठ महीने के मुझे निकाल देंगे और इस अनएम्प्लॉयमेंट के जमाने में कोई भी वर्कर अग्री करेगा कि मेरे को कम पगार दिया तो भी चलता है लेकिन मैं का, मेरे को काम पे रखो तो ये फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट कौं, का और इंडिविजुअल सेटलमेंट का जो पहले बिल्कुल नोशन नहीं था वो अभी पहले ऐसा था कि अगर वर्कर्स को स्ट्राइक पे जाना है तो पब्लिक यूटिलिटीज पब्लिक यूटिलिटीज पब्लिक सर्विसेज है वहां वो चौदह दिन का नोटिस देकर स्ट्राइक पे जा सकते और बाकी के जो सर्विसेज है नॉन पब्लिक यूटिलिटी वहां बिना नोटिस दिए भी अगर आपके पास जस्टिफाइड कुछ वजह है मैनेजमेंट ने कुछ मारा या, आ, या कोई किसी का एक्सीडेंट हो गया या कोई या आपके पास आपका हेल्थ एंड सेफ्टी बरोबर नहीं है उसके ऊपर प्रोटेस्ट है तो आप एक स्ट्राइक कर सकते थे बिना नोटिस दिया अभी ऐसा लिखा गया कि चौदह दिन का नोटिस कौन सी कुछ भी वजह हो कितना भी इमरजेंसी हो लेकिन चौदह दिन के नोटिस तक आप स्ट्राइक नहीं कर सकते ये एक आ गया है तीसरी बात ये आ गई है नए कानून में कि लिमिटेशन आया है कि दो साल तक आपका आप, आप, आपका कुछ भी डिस्प्यूट हो तो दो साल के अंदर वो डिस्प्यूट को आपको कोर्ट में लेके जाना पड़ेगा अभी कई बार ऐसा होता है कि मजदूर पांच दस पंद्रह साल काम करते हैं बाद में यूनियनाइज होते हैं बाद में उनको पता चलता है उनका कानून में हक क्या है और बाद में वो कोर्ट में जाते हैं वैसा कई बार होता है वो रोज बरोज की बात है कि मुझे पगार मिनिमम वेज से कम मिला है वो कोई वर्कर जो है वो कानून की किताब लेके बैठता नहीं है तो उसको दो तीन चार पांच साल तक यूनियनाइज होने के बाद वो जा सकता है कि भाई मेरा जो अभी मुझे पता चला है कि आपने मुझे पहले से पगार कम दिया है अभी पगार, पगार बरोबर दो मुझे जो देना चाहिए था तो अब ये कानून में ऐसा लिखा है कि दो साल के अंदर आपको डिस्प्यूट रेज करनी पड़ेगी उसके बगैर आप नहीं कर सकते हैं तो ये एक आ, आ, लिमिटेशन आ गया है वर्कर्स के ऊपर उसी तरह से पहले ऐसा था कि सौ वर्कर्स से ज्यादा जहां भी जो भी कंपनी में काम कर रहे हैं वहां आपको अगर क्लोजर करना हो आपको कंपनी बंद करनी हो या ले ऑफ करना हो वर्कर्स को निकालना हो उसको तो आपको गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी अगर सौ सौ से ज्यादा वर्कर्स है अब वो गवर्नमेंट की परमिशन तीन सौ से ज्यादा वर्कर्स होगी तो ही आपको लेने की जरूरत है यानी आपके पास 200 वर्कर्स है आप ओवरनाइट डिसाइड कर सकते कि मुझे बंद करना है वर्कर्स को बोलो भागो और बंद कर देते हैं। गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस इंटरवेंशन इसमें रहेगा नहीं और एक बात यह है कि पहले ऐसा बताया गया था कि स्टैंडिंग ऑर्डर्स वर्कर्स के लिए जो स्टैंडिंग ऑर्डर्स है स्टैंडिंग स्टैंडिंग ऑर्डर्स ऑर्डर्स बताते हैं कि आपके काम की की क्या होगी वो वर्कर्स भाषा में आपको कंपनी में डिस्प्ले करना पड़ता है कि ये ये आपके टर्म्स एंड कंडीशन है आपके काम के अब वो वर्कर्स की भाषा में डिस्प्ले करने की कंडीशन निकाल दी गई है ये इसके अंदर मुख्य बात एक ये है कि पहले ये लेबर लॉ किसको लागू होते हैं वो सवाल था और सुप्रीम कोर्ट ने कई निकाल दिए और कई 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 नतीजे दिए जिसमें कहा कि इंडस्ट्री को ये लागू होता है लेकिन इंडस्ट्री कौन किसको हम इंडस्ट्री मानेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि का? जहां लोग काम करते हैं जहां उनको पगार मिलता है उसे हम इंडस्ट्री मानेंगे और वहां ये इंडस्ट्री लॉ लागू लागू होगा क्योंकि कई बार हॉस्पिटल है एड़, इंस्टीट्यूशन है वो सब कोर्ट में जाने के रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के भाई हम प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रहे हैं हम तो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है तो हमको 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 ये लेबर लॉ लागू नहीं होने चाहिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं सवाल ही नहीं है आप प्रॉफिट के लिए काम करो या ना करो आपको वर्कर्स के जो जो हक है वो तो देने ही पड़ेंगे अगर आप वर्कर्स के हक नहीं दे सकते तो तो आप बंद कर दो काम आपको तो आपको अगर आपको अगर आपका आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चलाना है या आपका हॉस्पिटल चलाना है तो वर्कर्स को तो हक देना ही पड़ेगा तो आप वर्कर्स को लेबर लॉ लागू पड़ते हैं लागू होते हैं वैसा कहा अब ये कानून में ऐसा लिखा है कि कोई भी चैरिटेबल या सोशल या फिलोथ्रेफिक या रिलीजियस काम कर रहा है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को लेबर लॉ लागू नहीं होंगे तो ये एक बदलाव इसमें यानी सब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है आप देखिए और जिसमें ज्यादा करके प्रॉफिट प्रॉफिट करते हैं अब ये जब और ये सब चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन चलाते हैं बोलते हैं कि हम चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है एक्चुअली उसमें चैरिटी का कोई हक नहीं है कोई भाग नहीं होता है कितनी फीस लेते हैं हम सबको मालूम है खास करके पोस्ट ग्रेजुएट जो है यानी ये इंजीनियरिंग कॉलेजेस है मेडिकल कॉलेजेस है वो सब चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन चलाते हैं फीस बहुत ही लेते हैं डोनेशन लेते हैं लेकिन वो उनको अब लेबर लॉस का पालन करने की जरूरत नहीं है तो ये एक बात आई है दूसरी बात आई है कि पहले कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट था जिसमें ऐसा था कि अगर कॉन्ट्रैक्टर अगर किसी भी एम्प्लॉयर ने कॉन्ट्रैक्टर को हायर किया कुछ काम करने के लिए और वो कॉन्ट्रैक्टर ने अपने एम्प्लॉय को पैसे नहीं दिया तो जो प्र, एम्प्लॉयर है प्रिंसिपल एम्प्लॉयर उसको वो, वो लोग को पैसा देना पड़ेगा अगर मैं कंपनी हूं और मेरे पास कुछ काम के लिए मैं कॉन्ट्रेक्टर को लेता हूँ सिक्योरिटी के लिए मैं को ले मेरे के मेरे कंपनी तो वो सिक्योरिटी गार्ड्स को अगर मैं अगर वो कॉन्ट्रेक्टर पैसा नहीं देता तो मुझे देना पड़ेगा क्योंकि क्य। उसने मेरी कंपनी को संभाला है अब ये बात निकल गई है अभी जो पैसा है वो कॉन्ट्रेक्टर को देना पड़ेगा और अगर कॉन्ट्रेक्टर नहीं देता है पैसा तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर से आप मांग नहीं सकते दूसरी बात ऐसी है कि जैसे कि पहले वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट रहा करता था वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट यानी क्या कि जर्नलिस्ट के लिए एक एक अलग अलग जर्नलिस्ट वर्कर्स जो है उनके लिए कानून उसमें वेज बोर्ड बनता है बोर्ड है 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 पालेकर बोर्ड 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 वो वो वेज पूरे भारत के लिए जर्नलिस्ट की कितना पगार होना चाहिए वो तय करता था और हर एक न्यूज़पेपर को अपने जर्नलिस्ट को उतना पगार देना पड़ता था अभी ये वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट एबोलिश कर दिया है वेज बोर्ड का अभी सवाल ही नहीं है तो वेज बोर्ड सब निकल गए तो उनका एम्प्लॉयर एम्प्लॉयमेंट कंडीशन इंडिविजुअल एम्प्लॉयर तय करेगा जो और आजकल आप जानते हैं कि जर्नलिस्ट की हालत ऐसी है कि सभी जर्नलिस्ट ज्यादा करके जर्नलिस्ट को कॉन्ट्रैक्ट पे ले लिया गया है तो ये एक बात दूसरी है जो इम्पोर्टेंट है और लास्ट बात इसके इसके बारे में मैं ये कह, कहना चाहूंगा कि जो पगार का डेफिनेशन है वो बदला गया है वेजिस का डेफिनेशन इस तरह से बदला गया है कि और उसका महत्व क्या है वो मैं बता रहा हूं कि, कि आपका पगार क्या है उसके ऊपर डिपेंड होगा कि आपको अगर सस्पेंड किया गया तो आपको फिफ्टी परसेंट वेजेस कितना मिलेगा आपको अगर निकाला गया तो आपको जो कॉम्पेंसेशन कितना मिलेगा वो आपके पगार के ऊपर निर्भर है आपके टोटल वेजेस के ऊपर निर्भर है आपका इंडस्ट्री अगर क्लोज हो गया तो उनको आपको कुछ कॉम्पेंसेशन देना पड़ता है ग्रेचुअटी देना पड़ता है वो आपके पगार के ऊपर निर्भर है तो पहले ऐसे था कि आपका जो पूरा पगार है वो गिना जाएगा जो नया कानून है उसमें ऐसा लिखा गया है कि आपके पगार में से एच है यानी हाउस रेंट अलाउंस है ओवर टाइम अलाउंस है वो सब गिना नहीं जाएगा पगार में वो सब गिना नहीं जाएगा यानी आपको जो अल्टीमेटली अगर आप काम से निकाला जाता है कंपनी बंद हो जाती है तो आपको जो पैसे मिलेंगे वो पगार के ऊपर मिलते हैं और ये सब ओटी वगैरह पगार में नहीं गिनने से आपको जो पैसे मिलेंगे आपको जो कॉम्पेंसेशन मिलेगा वो पहले से बहुत कम मिलेगा तो ये एक बात भी हमें ध्यान रखने की जरूरत है इसी तरह से अभी दो और कानून आए हैं लेकिन उसके मैं बात नहीं क्योंकि समय कम है एक तो लेबर के बारे में एक तो सोशल सिक्योरिटी एक्ट है वो कई कानून है जिसको खत्म करके बनाया गया है जैसे ई एस आई एक्ट है वर्कमैन कॉम्पेंसेशन एक्ट है वो सबको वो सबको जोड़ के एक सोशल सिक्योरिटी एक्ट है और चौथा जो है लेबर कोड लाया गया है वो ऑक्युपेशनल सेफ्टी वर्किंग कंडीशन का जो कानून है उसके ऊपर जो नया कोड है उसमें तेरह कानून है उसको जोड़ के ये वो तेरा कानून को एबॉलिश करके ऑक्युपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी वर्किंग कंडीशंस एक्ट जैसे कि फैक्ट्रीज एक्ट है वगैरह कई कानून है उनको का, उनको रद्द करके ये कानून हेल्थ एंड सेफ्टी कानून बनाए गए तो ये जो है लेबर कोर्ट्स की बात है और हमें ध्यान में रखना चाहिए जब हम लेबर लेबर कोर्ट्स की बात करते हैं तो चीजें पहले से डेढ़ सौ साल से तय हुआ है इंटरनेशनली सब लोग आ, सब लोग मानते हैं कि लेबर और कैपिटल का जो रिलेशन है मार्केट में वो अनइक्वल है उनका बार्गेनिंग स्ट्रेंथ सेम नहीं है मैनेजमेंट का बार्गेनिंग स्ट्रेंथ वर्कर से कई ज्यादा है मैनेजमेंट अगर बोलेगी कि तुमको काम करना है तो करो नहीं करना है तो मत करो इतना पगार देता हूं तो वो वर्कर को कोई चॉइस नहीं है वो पगार लेके काम करने का तो बार्गेनिंग स्ट्रेंथ दोनों में कम है इसलिए पहले तो ये रिकोगनाइज हुआ कि वर्कर्स के लिए आप सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऊपर छोड़ नहीं सकते लेटेस्ट डू गो बाय व्हाट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऐसा नहीं चलेगा आप सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट नहीं तो क्या होता है कोई भी दो व्यक्ति जब आपस में मिलती है तो उनके अंदर अंदर जो बात होती है वो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जो अग्रीमेंट होता है वो कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया है वो अग्रीमेंट है लेकिन वर्कर्स और मैनेजमेंट के बारे में पहले से डेढ़ सौ साल से इंटरनेशनली सिर्फ भारत में नहीं ये तय किया गया कि कॉन्ट्रैक्ट में जो लिखा गया है वो मानेंगे तो वर्कर्स के ऊपर बहुत ही नुकसान होगा क्योंकि वर्कर्स आर नॉट इन इक्वल बार्गेनिंग स्ट्रेंथ विथ मैनेजमेंट इसलिए स्टेट का इंटरवेंशन होना चाहिए थ्रू लॉस थ्रू स्पेशल लॉस स्पेशल कानून जो वर्कर्स के लिए बनाए गए तो ये कानून के हिसाब से उसके इंटरवेंशन होना चाहिए कि वर्कर्स और इसका बार्गेनिंग स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ कम है वो जो बार्गेनिंग स्ट्रेंथ है ट्रेड यूनियन से बढ़ता है वो ट्रेड यूनियन के राइट्स ये चार कानून में कम कर दिए गए हैं इंडिविजुअल बार्गेनिंग जो है वो बहुत कम कर दिया गया है इसमें कई चीजों को कई लोगों को इंडस्ट्री से बाहर किया गया है कई लोगों को एम्प्लॉ के दर्जे से बाहर किया गया है जो गिग वर्कर्स हम बोलते हैं आजकल जो बोलते हैं गिग वर्कर्स जैसे कि एक आ, उबर है ओला है या स्विगी है या ये सब जो गिग वर्कर्स बोलते हैं वो सब बाहर हो गए इसके अंदर से तो जो सौ साल डेढ़ सौ साल के स्ट्रगल के बाद वर्कर्स ने ये सब कानून हासिल किए थे वो कानून को ये चार जो जो नए कानून है उससे हटाया जा रहा है तो ये एक बात लेबर की बात कर रहा हूं अभी फाइनली मैं जो फार्मर्स बिल जो आए हैं तीन कानून फार्मर्स के लिए आए हैं वो तीन कानून कौन से हैं एक तो फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट है वो है दूसरा है फार्मर्स एम्पावरमेंट एक्ट जो है उसका पूरा नाम बहुत लंबा है और तीसरा है अमेंडमेंट टू द एसेंशियल कॉमोडिटीज एक्ट ये तीन तीन जो तीन जो कानून है वो लाए गए हैं दो चीजें हमें याद रखनी चाहिए जब हम फार्मर्स के कानून के बारे में देखते हैं एग्रीकल्चर ये स्टेट सब्जेक्ट है यानी एग्रीकल्चर के ऊपर जो भी कानून बनाना है वो राज्य को बनाना है लेकिन फूड स्टफ ये सेंट्रल में आता है तो डिस्प्यूट पहले से ही रही है कि फूड यानी क्या और एग्रीकल्चर यानी क्या लेकिन आज तक ऐसा हुआ है कि जो भी एग्रीकल्चर के बारे में कानून हुए हैं अलग अलग राज्यों ने अपने अपने तरीके से बनाए हैं उसमें से ज्यादा करके मंडियों की बात की गई है यानी कि हरेक राज्य ने ज्यादा करके कुछ दो तीन राज्य जहां नहीं है जैसे बिहार में पहले थी अभी नहीं है तो उसमें ऐसी बात कही गई है कि कोई भी कोई भी फार्मर अपना जो नया खुद ने जो प्रोड्यूस किया है वो मंडी में जाके जो गवर्नमेंट की मंडी है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटीज जिसको बोलते हैं वहां जाके अपना सामान बेच सकता है वहां जो सामान बेचेंगे इंडिविजुअल बायर को बाहर नहीं बेचना क्योंकि इंडिविजुअल बायर को आप जब बेचना चाहते हैं तो वो इंडिविजुअल बायर जो बा, जो बायर होता है कभी कभी मनी लेंडर होता है कभी कभी बड़ा कॉर्पोरेट होता है वो आपसे और और ज्यादा करके 90 परसेंट फार्मर्स है वो मार्जिनल फार्मर्स है उनके पास ताकत नहीं है बार्गेनिंग करने की और बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस से बड़े बड़े मनी लेंडर से जमींदारों से बार्गेनिंग करने की ताकत नहीं है इससे उनके लिए ये मंडिया बनाई गई है कि वहां जाए और वहां इंडिविजुअल बार्गेनिंग करने की जरूरत नहीं है वहां आपका जो सामान है वो ऑक्शन हुआ और जो सबसे ज्यादा बिड लगाएगा जो सबसे ज्यादा बोलेगा कि इतना पैसा हम देने को तैयार है उनको वो माल मिलेगा और उतना पैसा फार्मर को मिलेगा उसके साथ साथ एक एमएसपी का है मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो कई धान्य ऐसे हैं जिसके लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस स्टेट तय करती है और बोलती है कि अगर यह ऑक्शन में हमने अगर गेहूं का दाम सोलह सो रुपया क्विंटल लगाया है मिनिमम सपोर्ट प्राइस और अगर आपको ऑक्शन में सत्रह सो रुपया मिलता है तो हाँ आप बेचो ऑप्शन में लेकिन अगर आपको पंद्रह सो रुपया मिलता है तो हम So, सोला सो राज्य सोलह सौ रुपया देके वो वो खरीद लेगी तो आपको मिनिमम जो सपोर्ट प्राइस है सोलह सौ सो रुपया वो आपको मिलेगी ये एक मंडी का जो पूरा आधार था ये था और ये सब करने के लिए आपको आपको कुछ टैक्स टैक्स भरना पड़ेगा टू परसेंट थ्री परसेंट राज्यों में अलग अलग राज्यों में अलग था जिससे ये मंडिया चले वो पैसे से ये मंडिया चले उसके लिए आपको टैक्स भरना पड़ेगा अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कानून लाया है कि आप मंडियों के बाहर मंडिया रहने दिया मंडियों को बोला नहीं है कि मंडिया बंद कर दो खत्म कर दो लेकिन उन्होंने ऐसा कहा है कि मंडियों के बाहर आप अगर अपना सामान बेचते हैं तो आपको कोई टैक्स लगेगा नहीं और मंडियों के अंदर आप टैक्स लगा नहीं सकते राज्य कोई टैक्स लगा नहीं सकता तो सवाल यह होगा कि मंडियों में अगर आप टैक्स नहीं लगा सकते हैं तो आपकी मंडिया बंद हो जाएगी आज नहीं तो एक साल के बाद दो साल के बाद तीन साल के बाद मंडिया बंद हो जाएंगे ऑप्शन का सवाल आएगा नहीं तो क्योंकि मंडिया बंद हो गई तो ऑप्शन कहाँ जाकर करेंगे और फिर आपका पूरा कॉर्पोरेट हाउसेज आ जाएंगे जैसे कि अंबानी है अडानी है या जो भी है या फॉरेन के है कुछ वो आ जाएंगे वो आपसे बहुत ही कम दाम में फिर आपका माल खरीदेंगे वो एक पूरा हो जाने वाला है ये जो कानून अभी बनाया है उसकी वजह से बिहार में 2006 या 7 तक मंडिया थी 2006 या सात में मंडिया बंद कर दी गई तो जो पहले फार्मर्स सोलह रुपये या सत्रह रुपये क्विंटल में व्हीट बेचता था वो आज के दिन में बिहार में नौ सौ रुपया हजार रुपया में उसको बेचना बेचने बेचने पर मजबूर हो गया है मंडिया बंद होने की वजह से तो डर यही है कि आपने मंडियों में बोला कि आप टैक्स नहीं लगा सकते राज्य टैक्स नहीं लगा सकते बाहर भी टैक्स नहीं लगा सकते तो मंडिया धीरे धीरे बंद हो जाएंगी और फिर बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज आएंगे बड़े बड़े जमींदार आएंगे और वो आपको उनको चाहिए वो हिसाब से आपका माल लेंगे और बोलेंगे नहीं बेचना है तो जाओ हम दूसरे से लेंगे इस तरह का पूरा एक बारगेनिंग हो जाए ये एक बात है दूसरी बात जो एसेंशियल कॉमोडिटीज एक्ट में आई है एसेंशियल कॉमोडिटीज एक्ट में क्या था कि जो कुछ एसेंशियल कॉमोडिटीज है जैसे कि गेहूं है राइस है वगैरह वगैरह ऑयल है ऑयल सीड्स है उसको आप होल्ड नहीं कर सकते यानी उस, उसकी प्राइस फिक्सेशन होती है मैक्सिमम प्राइस फिक्सेशन होती है और उसको आप होल्डिंग नहीं कर सकते हैं कि आप इससे ज्यादा आप खरीद नहीं सकते इससे ज्यादा आप रख नहीं सकते हैं ना, ऐसा था अब इसमें ऐसा अमेंडमेंट आया है जिससे ये होल्डिंग के ऊपर जो लिमिटेशन है वो पूरे निकाल दिए गए हैं यानी अगर मैं चाहूं तो एक, एक एक व्यक्ति है वो समझो क्विंटल से ज्यादा खरीद नहीं सकता था पहले आ, क्योंकि वो क्विंटल तो 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 फिर ब्लैक मार्केटिंग होती है वगैरह वो जो होती है तो एसेंशियल कॉमोनिटीज एक्ट में भी ये फर्क आया और दूसरी बात मिनिमम सपोर्ट की, सब भी ठीक था अगर आप बोलते कि आप बाहर बेचो अंदर बेचो जहां भी बेचना है बेचो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है हर 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 एक 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 फार्म प्रोड्यूस की ये हम तय करते हैं कि ये इतनी होगी कि सोलह सौ सो रुपये समझो सोलह सौ सो रुपये क्विंटल व्हीट की होगी दो हजार रुपये क्विंटल राइस की होगी वो हम तय करेंगे उससे कम दाम में आप आपसे कोई खरीद नहीं सकता ऐसा अगर कानून ला दे कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस के नीचे हम आ, आ, कोई खरीद नहीं सकता ऐसा कानून ला दे तो अलग बात है तो उससे क्या होता है कि आप आपसे कोई खरीद नहीं सकता उससे कम दाम में लेकिन वो बात नहीं ये तीनों कानून में अगर फार्मर्स के तीनों कानून देखें तो उसमें ये बात नहीं कही गई है मिनिमम सपोर्ट प्राइस कितनी होनी चाहिए उसकी बात ही नहीं रखी गई है तो इसलिए डर है कि धीरे धीरे पूरे फार्मिंग सेक्टर का कॉर्पोरेटाइजेशन हो जाएगा मार्जिनल फार्मर्स है वो पूरे नष्ट हो जाएंगे फूड प्रोडक्ट्स है वो नष्ट हो जाएंगे जो जिसका प्रोडक्शन है और उसके बदले फिर कॉटन फार्मिंग होगा फिर जो दूसरे कमर्शियल क्रॉप है उसका फार्मिंग हो जाएगा और फार्मर्स नष्ट हो जाएंगे और फायदा जो कारपोरेट और एग्री बिजनेस है जिसको बोलते हैं जैसे कि पेप्सिकोला है जो लेज वगैरह निकालती है या ये जो बड़े बड़े एग्री बिजनेस हाउसेज है उनका फायदा होगा तो इस वजह से ये ये तीन जो कानून है उसका उसके उसका भी प्रोटेस्ट हो रहा है तो मैं बस इतना ही बोल के अभी बंद करूंगा और कुछ सवाल है तो उसका जवाब देने को बोलूंगा थैंक यू वेरी मच थैंक यू सो मच सर बहुत ही बढ़िया मतलब लोग कमेंट डाल डाल रहे हैं कि बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन है आ, मतलब पूरा सी ए पी आर्टिकल थ्री सेवेंटी थर्टी फाइव ए लेबर लॉ फार्मर्स लॉ एफ सी आर ए पूरा ही आपने कवर कर दिया और बहुत बढ़िया इंफॉर्मेशन हमको दी है जो हमको आ, सही तरीके से सोचने में मजबूर करेगी तो हम सवाल लेते हैं अभी एक एक करके पहला सवाल पूछा है कि न्यू लेबर लॉ से वेजेस कम हुई है लेबर की मतलब क्या है ये कम हुई है या नहीं है ऐसा सवाल है अभी न्यू लेबर लॉस अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुए है तो इम्प्लीमेंट नहीं होने की वजह से आ, क्योंकि जो 19 में भी पास हुआ था लॉ वेज कोड वो अभी नोटिफाई अभी हो रहा है तो उसका इंप्लीमेंटेशन का एक्चुअल असर अभी तक हमें दिखा नहीं है क्योंकि इंप्लीमेंटेशन अब होगा वो तो एक बात है दूसरी बात है कि जो मिनिमम अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला हम मिनिमम वेज डिक्लेयर करेंगे 1917 में जो बेसिक मिनिमम वेज था वो कुछ 1420 या चा, चार सो एक हजार चार सो बीस मेरे ख्याल से था तो 2019 में जो उन्होंने रिवाइज किया मिनिमम वेज सेंट्रल गवर्नमेंट में वो 1420 से 1422 किया यानी दो रुपया बढ़ाया दो साल में मिनिमम वेज तो आप देख सकते हैं कि ये जो पूरी बात है वो मिनिमम वेजेस वो मेरे ख्याल से जो होने वाला है वो वेजिस बढ़ने वाले नहीं है वेजिस कम होने वाले हैं और खास करके आज के दिन में जहां कोरोना वायरस है वगैरह जहां से लोगों के पास इतना अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है लोगों तो के पास दो... नहीं है काम नहीं है कोई भी काम कर जैसे आप ही बोल रहे थे कुछ लोग भाजी बेच रहे हैं वो भी। तो इस तरह की परिस्थिति में तो आ, मेरे ख्याल कम ही होने वाले बढ़ने की न्यू डेफिनेशन इन इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड टू थाउजेंड ट्वेंटी और एक सवाल इसके साथ लेते हैं व्हाट्स क्राइटेरिया फॉर एम्प्लॉ अलग अलग जो ये चारों कोड है उसमें डेफिनेशन एम्प्लॉ की और जो एम्प्लॉयर है दोनों की वो अलग अलग दी गई है किसको ये लागू होता है वो भी अलग 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 तरह से दी गया है दिया गया है जैसे कि मैं आपको बताऊं पहले ऐसा था कि प्रोविडेंट फंड एक्ट है वो जहां दस से ज्यादा कर्मचारी है वहां लागू होता था अभी वो दस से ज्यादा कर्मचारी के बदले बीस से ज्यादा कर दिए गए हैं यानी लाखों लोगों को जो पहले प्रोविडेंट फंड वगैरह मिलता था उनको अभी नहीं मिलेगा एम्प्लॉयी कौन है उसमें भी बहुत जैसे कि मैंने बताया इंडस्ट्री कौन है उसमें बहुत फर्क कर दिया गया है चैरिटेबल वगैरह सबको निकाल दिया गया है सो so, जो भी इंस्टीट्यूशन सोवरिन फंक्शन स्टेट की करती है जैसे कि एजुकेशन है जिसको सॉवरिन माना जाता है हेल्थ है वो सबको निकाल दिया गया है जैसे मैंने पहले बताया एम्प्लॉज का डेफिनेशन भी पहले जैसा रखा गया है जैसे कि अगर आप स्किल्ड वर्कर है या अनस्किल्ड वर्कर है तो आप खुद मैन्युअल वर्क करते हैं तो आपको एम्प्लॉय माना जाएगा लेकिन अगर आप सुपरवाइजरी वर्क करते हैं या मैनेजरियल वर्क करते हैं तो अब आपको एम्प्लॉय नहीं माना जाएगा और आप जैसे जानते हैं कई लोगों को बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वहां तो किसी को भी वाइस प्रेसिडेंट बना देते हैं किसी को कुछ भी बना देते हैं लेकिन वो एक्चुअली काम करते हैं कुछ फिजिकल स्किल्ड काम करते हैं तो जो सुपरवाइजरी कैपेसिटी में है या जो मैनेजेरियल कैपेसिटी में है उसको वर्कर नहीं माना जाएगा तो उनको लेबर लॉ का फायदा नहीं होगा

राइट्स uh, होने चाहिए ऐसा सिविल कोड है लेकिन मेरे ख्याल से बीजेपी को उसमें इंटरेस्ट नहीं है बीजेपी को इसमें इंटरेस्ट है कि कि, ये दिखा देने को कि, कि हमने कैसे मुसलमान को ये किया तो इफ जेन्यून सिविल कोर्ट विच इज क्योंकि मनु अगर आप मनुस्मृति के ऊपर जाएंगे तो वहां भी आपको ये मिलेगा कि औरतों को कोई अधिकार नहीं है जेन्युन नॉन डिस्क्रिमिनेटरी सिविल कोड की अगर कोई बात करता है तो हाँ लेकिन आप सिर्फ नेशनल इंटीग्रेशन के लिए सिविल कोड लाना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से ये सही नहीं होगा सर रिसेंटली वी मार्क द कंप्लीशन ऑफ ईयर 2019 370 वाज अब्रोगेटेड व्हाट चेंजेस पॉजिटिव और निगेटिव कैन बी सी इन कश्मीर एज़ वेल एज़ लद्दाख एवर सिंस इट बिकम अ यूनियन टेरिटरी द गवर्नमेंट मेड टॉल क्लेम्स एज़ टू हाउ द रीजन विल सी मोर डेवलपमेंट इन दिस एरिया एटसेट्रा

माइग्रेशन ही नहीं होता इंटर विद इन इंडिया सब लोग अपनी अपनी जगह खुशी से रहते थे ऐसा नहीं हुआ है सितंबर 2019 में एक टीम थी थी हमारी वकीलों की जो कश्मीर गई आफ्टर दिस तो मैं उसमें गया था हम लोग दस दिन वहां रहे थे कश्मीर में अलग अलग जगह घूमे थे जब ये चालू था सवाल ये है कि आपको जमीन में इंटरेस्ट है या लोगों में इंटरेस्ट है अगर आपको जमीन में इंटरेस्ट है तो जमीन तो आप अपनी बना लेंगे लेकिन अगर आप को लोगों में इंटरेस्ट है इंसानों में इंटरेस्ट है तो मेरे ख्याल से हालत बहुत ही खराब है डेवलपमेंट डेवलपमेंट कुछ होने वाला है नहीं रिमेम्बर कश्मीर की अगर आप ये सब होने के पहले की इंडेक्सिस देखे आप, आ, या तो मेटरिटी की या हेल्थ की या एडुकेशन की तो बाकी इंडिया से काफी ऊपर थी तो ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट हुआ नहीं था तो डेवलपमेंट होता था डेवलपमेंट हो रहा है आप आज जाके देखिए कश्मीर में एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है लैंड रिफॉर्म्स भी काफी हुए हैं तो वो वो तो, तो मेरे ख्याल से लद्दाख हो या कश्मीर हो या जम्मू हो वहां आप उसको यूनियन टेरिटरी बना के या आर्टिकल 370 रिमूव करके डेवलपमेंट बढ़ाएंगे वैसा मेरे मेरे ख्याल से ऐसा होने वाला नहीं है क्योंकि अभी तक किसी ने कोई किसी ने रोका नहीं था किसी को डेवलप आप देखो आज भी जाके यानी ये, ये 370 सेवेंटी एब्रोकेशन करने के पहले भी वहां ताज ताज का होटल था तो ज तो यहाँ का है तो उसका उन्होंने होटल वहां कैसे बनाया क्योंकि वो लीज पे ल, वो खरीदते नहीं है लीज पे लेते हैं जमीन और बनाते हैं अपना जो बनाता है बनाना होता है मेरे ख्याल से जो, और हम जब कश्मीरी लोगों को मिले और वहां आर्मी की एट्रॉसिटीज इतनी है हमने खुद देखी है आर्मी की एट्रोसिटीज और हम लोग जब वहां गए पूरे पूरे कर्फ्यू में थे वहां दस दिन तो उसकी वजह से एलिनेशन बहुत बढ़ गया है लोगों का हाँ पाकिस्तानी इंटरफेरेंस भी है वो होगा क्योंकि यहाँ एक राइप सिचुएशन uh, है मिलिटेंसी भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है लेकिन मेरे ख्याल से एलिनेशन जो कश्मीरी लोगों का है वो बहुत बढ़ गया है जिस तरह से भारत की सरकार को कश्मीरी लोगों के साथ ये कश्मीर मुद्दे के साथ उनको निपटना चाहिए था उस तरह से निपटे नहीं है मेरे ख्याल से तो ये मुझे डेवलपमेंट वगैरह वहां होगा कुछ लग, लग नहीं रहा है While the That had farmers and and their their ability to get a remunerative price for their crop. Is there any ordinance? ordinance ordinance The same acts came as first बाद में वो अभी वो नाटक हुआ ना, ना पार्लियामेंट का दो तीन दिन उसमें पास हो गया मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात ही नहीं है वही मैं, मैं कहता हूँ उनका ऐसा कहना है देखो फ्री मार्केट इन ट्रेड उससे सब कुछ सबका बहुत भला हो जाएगा अभी फ्री मार्केट इन ट्रेड से किसी का कभी भला हुआ नहीं है दुनिया में हर एक मार्केट कंट्रोल रेगुलेटेड होता है आप अमेरिका में भी देखो तो रेगुलेशन है चाइना में भी देखो तो रेगुलेशन है पूरा यूरोप में रेगुलेशन है पूरा अमेरिका में जो एग्रीकल्चर है फुल अमेरिका का एग्रीकल्चर फुल्ली सब्सिडाइज है क्योंकि तो एग्रीकल्चर में इंडस्ट्रीज जितना पैसा नहीं है लेकिन आपको फिर भी खाना खाना पड़ेगा आपको फिर भी लीटर भी राइस चाहिए तो कौन मनाने वाला है तो इससे अमेरिका में भी देखो आप पूरा यूएस इज बेस्ड ऑन कंप्लीट सब्सिडी ऑफ एग्रीकल्चर वहां के फार्मर्स को जितनी सब्सिडी मिलती है के फार्मर्स को भी नहीं मिलती है तो फार्मर तो फ्री मार्केट इन एग्रीकल्चर विल नेवर वर्क क्योंकि उसमें होगा फार्मर्स को बहुत नुकसान होगा जो 90 परसेंट मार्जिनालाइज फार्मर्स है उनका बहुत नुकसान होगा तो फ्री मार्केट इन एग्रीकल्चर विल नेवर वर्क फ्री मार्केट इंडस्ट्री में भी चलता नहीं है इंडस्ट्री में आपने फ्री मार्केट किया तो क्या हो गया आज दो या तीन बड़ी कंपनियां हैं वो कंट्रोल करती है हर एक सेक्टर में चाहे आप ये जियो देखो या जो भी जो भी देखो दो तीन का बड़ी बड़ी कंपनियां हर एक सेक्टर में कंट्रोल करती है और वो प्राइस फिक्सेशन करती है कि हम हम जो बोलेंगे वो प्राइस आपको देना पड़ेगा पहले छह महीना फ्री देगी और फिर प्राइस अभी आप देखो पुणे में हुआ है कि नहीं मुझे पता नहीं बम्बई में कई लोग जो रिलायंस ने इलेक्ट्रिसिटी दी अभी इलेक्ट्रिसिटी के बिल सात साठ सत्तर हजार रुपया आ रहे हैं लोगों को क्योंकि पहले तो बहुत चीप दिया और फिर दो साल में इतनी बढ़ा दिया है इलेक्ट्रिसिटी के रेट्स लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उसको तो हर एक फ्री मार्केट ऑलवेज नीड्स टू मोनोपोली सो टू बी रेगुलेशन रेगुलेशन करने ही पड़ेंगे उसके बगैर आप इकोनॉमी चल ही नहीं सकती कहाँ भी नहीं चली है चलिए uh, तीन सवाल है तीन सवाल हम एक साथ ही लेते हैं सर न्यू एग्रीकल्चर लॉज की प्रोविजन से धीरे धीरे कॉमन पीपल लाइफ विल बी वेरी प्रॉब्लम फॉर दिस एनी सोल्यूशन

कि सुप्रीम uh, कोर्ट से कुछ एक्सपेक्टेशन रखना कि वो ये करेगी वो करेगी कभी कभी इधर उधर कुछ uh, मिल जाता है लेकिन बाकी कुछ uh, होता नहीं है लेकिन फाइट फॉर बेटर लॉस एंड टू एंश्योर पीपल गेट जस्टिस इन कोर्ट्स उसके लिए मेरे ख्याल से दो चीजें हमें बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि uh, मैंने कई बार देखा है कि जो ह्यूमन राइट्स के के लॉ बाद बात करते हैं पैशन तो बहुत होता है कि हमें हमें ये करना है हमें वो करना है लेकिन को अच्छे ह्यूमन अच्छे ह्यूमन राइट्स के एक्टिविस्ट तो है लेकिन साथ साथ अच्छे वकील होना वो भी बहुत जरूरी है तभी हम लोगों का मदद कर सकेंगे क्योंकि अल्टीमेटली यू केसेस इन ओके सो यू नीड

पाँच प्रतिशत की बात है वो हमारी बात नहीं है लोगों की बात नहीं है वो और लोगों की लोगों के साथ जुड़े रहना बहुत बहुत जरूरी है कि लोगों की बात सुनना लोगों के साथ जुड़े रहना लोगों के ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़े रहना वो मेरे ख्याल से कोई भी लॉयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है पैसे तो कोई भी कमा लेता है सवाल ये है कि हम इंसानों के लिए क्या करते हैं वो मेरे ख्याल से वो एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है हम सबके लिए तो ये एक बात है दूसरी बात दूसरा जो सवाल आ, हाँ वो फार्मर्स एक्ट के लिए क्या कर सकती है फार्मर्स आ, आ, के लिए मेरे ख्याल से ये हमें ये अभी फार्मर्स के प्रोटेस्ट हो ही रहे हैं ज्यादा करके पंजाब हरियाणा राजस्थान में हो रहे हैं जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं आजकल मेरे ख्याल से हमें किस तरह से ये, ये फार्मर क्योंकि ये फार्मर्स जो लॉज है वो पूरी फार्म सेक्टर को बर्बाद करके छोड़ेंगे उसकी असर जो शहरों में रहते हैं उसके ऊपर भी पड़ेगी क्योंकि फार्म के सब प्रोडक्ट अगर बड़े बड़े इंडस्ट्रियल ले खरीद लेंगे तो उनकी प्राइसिस भी कर, जब वो शहर में आएंगे बेचने के लिए उसकी बहुत बड़ी बढ़ जाएगी तो तो हम सब तो मेरे ख्याल से हमें ये भी दिखाना चाहिए हमें हमारे लिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये फार्म फार्म बिल है वो सिर्फ फार्मर्स के लिए अफेक्ट करता है उतना नहीं है लेकिन जो अर्बन एरिया है वहां भी किस तरह से हम जो शहरों में रहते हैं उनको भी इसकी इम्पेक्ट कैसे होगी वो भी दिखाना मेरे ख्याल से जरूरी है उसका विरोध करना जरूरी है जहां भी हो सके जहां जिससे भी बात कर सके वहां ये, ये फार्म एक्स को समझना और समझ के उसका विरोध करना वो बहुत जरूरी है सोशल सिक्योरिटी का ऐसी डेफिनेशन नहीं दी गई है लेकिन ये जो कानून है सोशल सिक्योरिटी कोड जो है लेबर कोड है उसमें सोशल बहुत ही वेग डेफिनेशन है जिसको डिफाइन करना मुश्किल है क्योंकि हमारा चाहता हम चाहते थे इन लो, लोग लोग कई चाहते थे कि आप कुछ जैसे कि यूएसए में है जैसे कि कई यूरोपियन कंट्रीज में है कि जो अनएम्प्लॉयड है उनको कम से कम सोशल सिक्योरिटी का मीनिंग क्या कि सोशल सिक्योरिटी यानी जो अनएम्प्लॉयड है उनको कम से कम कुछ आ, दस हजार या पंद्रह हजार रुपया हर महीने गवर्नमेंट की तरफ से मिले जो अमेरिका में होता है यूरोप में होता है सब जगह होता है तो सोशल सिक्योरिटी का मीनिंग ये होता है कि आपके पास और और दूसरी दूसरी और तीसरी बात यह है कि आपको एडुकेशन फ्री में मिले सोशल सिक्योरिटी का ये मीनिंग होता है और हेल्थ और हाउसिंग ये जो तीन चार का खाना है हाउसिंग है हेल्थ है वो सब्सिडाइज हो गवर्नमेंट उसको सब्सिडाइज करे लेकिन वो तो हो नहीं है तो जब तक वो सब नहीं होता है तो आप कुछ भी मीनिंग लगा दो सोशल सिक्योरिटी का उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि हेल्थ एडुकेशन हेल्थ जो मुझे याद है जो पहले पांच पांच छह हॉस्पिटल थी uh, बंबई में पब्लिक हॉस्पिटल जब मैं छोटा था वही हॉस्पिटल आज भी चल रही है नए इन्वेस्टमेंट हेल्थ में गवर्नमेंट ने किया ही नहीं है हेल्थ सेक्टर से इन्वेस्टमेंट उनका वापस जा रहा है एडुकेशन में से वो लोग विड्रॉ कर रहे हैं गवर्नमेंट विद्रॉ करिए वापिस करिए तो अगर आप एडुकेशन हेल्थ वगैरह में से विद्रॉ करेंगे गवर्नमेंट नहीं देगी वो तो सोशल सिक्योरिटी रह, क्या रह गई आप कुछ भी डेफिनेशन दो जब तक आप इन्वेस्ट नहीं करते गवर्नमेंट इन्वेस्ट नहीं करते हेल्थ में एडुकेशन में फूड में तब तक और कुछ गारंटीड अमाउंट आप हर हर महीने नहीं देते लोगों को जो अनएम्प्लॉयड में तब तक ये सोशल सिक्योरिटी का कोई मीनिंग नहीं रह जाता है बहुत ही बढ़िया रहा सर से सेशन पूरा ही सेशन बहुत ही बढ़िया रहा और मेरे को लगता है हमने मतलब इससे सबसे ये सीखा है कि लॉयर करके और एज ये जिम्मेदारी है कि हम लोगों के बीच में जाए उनसे संवाद करे उनसे बातें करे और जो भी अपने राइट्स से और राइट्स के लिए हम लड़े एक साथ आए फिर वो फार्मर्स के राइट हो लेबर्स के राइट हो वुमेन्स के राइट हो जो वर्ग है पूरा जो पिछड़ा वर्ग है जो अभी भी हम देखते हैं समाज में किस तरह से लोग रहते हैं तो हमें लगता है कि हमारी जिम्मेदारी है एज ए ह्यूमन करके इन सारी चीजों के ऊपर काम करें